नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य बहुत बहुत परेशान है। जीवन में परेशानियों का एक सैलाब सा आने के बाद में मनुष्य बहुत हताश हो जाता है और सोचता है कि जीवन में ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में आगे प्रबल तरीके से बढ़ सकते हैं। तो इस आज के क्रमांक में आपके लिए हम लेकर आए हैं तीन ऐसे ही चमत्कारिक उपाय जिनका उपयोग कर आप अपने जीवन में बड़े से बड़े परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं पहले उस अद्भुत उपाय की जो कि आपको प्रतिदिन स्वरूप में करना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर आप यह एक अनमोल उपाय शामिल करते हैं तो आपके जीवन में बहुत से बड़े चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः ये चमत्कार जो है वो प्रभु श्री हनुमान जी से, प्रभु श्री महाराज जी से संबंधित हैं। इस उपाय को करने से आप आसानी से श्री महाराज जी की कृपा एवं हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पहले उपाय के अंतर्गत आपको क्या कार्य करना है कि प्रतिदिन एक आदत बनाइए कि जीवन में प्रार्थना करना बिल्कुल मत छोड़िए। ईश्वर से जब हम उनके समीप जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि वो ईश्वर के समक्ष अपनी कोई बात रख नहीं पाते। तो इसके लिए आपको एक नियम बनाना है, अपने शब्दों में छोटी से छोटी एक प्रार्थना को आप शामिल करें। अपने अंतर्मन की बात को ईश्वर से कहने से बिल्कुल मत हिचकिचाएं। इसके अंतर्गत आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है और प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष आप अपने मन की बात कह सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आप बनाएं और उस प्रार्थना को अपने शब्दों में इस प्रकार से कहें कि आपके अंतर मन के अंदर जो भी भाव छिपे हुए हैं उन भावों से आप श्री हनुमान जी को, श्री महाराज जी को अवगत कराएं। निश्चित तौर पर जब आप रोजाना ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना एक दिन अवश्य स्वीकार होगी, क्योंकि स्वयं महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे समक्ष प्रार्थना स्वरूप में आता है, अपनी प्रार्थना को लेकर आता है, तो निश्चित तौर पर वह भक्त हमें दिखाई देने लग जाता है और उसकी प्रार्थना को हम अवश्य सुनकर उसका निदान करते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय, अपनी बात को कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उस उपाय की ओर जो कि आपको प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत शामिल करना है। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय मैं बता रहा हूं, इसको यदि आप फलस्वरूप जीवन में जोड़कर चलते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत कम समय में आपको श्री हनुमान जी की, श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय वे लोग भी कर सकते हैं जो काफी समय से अपनी बात ईश्वर के समक्ष रख रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। उपाय बहुत आसान है, स्वयं श्री हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अब इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, देखिए, आप लाल रंग का कोई भी फल जैसे अनार हो गया, इसके अलावा सेब हो गया, लीची आदि हो गया, तो लाल रंग के जो भी फल होते हैं वो श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय होते हैं। इसीलिए अगर आपके लिए आपकी सामर्थ्य में है तो आप प्रतिदिन लाल रंग का कोई भी जो फल है वो श्री हनुमान जी को अर्पित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने से आपको बहुत बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी की जो कृपा है, जो अनमोल कृपा है, वो अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप प्रत्येक मंगलवार शनिवार का दिन चुन सकते हैं। इस दिन के अंतर्गत आप श्री हनुमान जी के समक्ष लाल रंग का जो फल है वो अवश्य चढ़ाएं। उससे आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, वो बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी पूरी करते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें अवश्य जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये जो धरा है ये कर्म प्रधान है, तो इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि केवल और केवल श्री हनुमान जी के भरोसे आप बैठकर अपने कार्य को करना ही बंद कर दें। ऐसा करने से आप क्या पाएंगे कि आपके परिश्रम की क्षति होगी, आपके परिश्रम का क्षय होगा और आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करता है ऐसे अनन्य भक्त का मैं अवश्य हाथ थाम लेता हूं और ऐसे अनन्य भक्त को मैं जीवन में कभी गिरने नहीं देता। और यही वाक्य श्री महाराज जी भी कहते हैं कि आप कर्म को प्रधान मान के चलिए, क्योंकि कर्म भूमि है, कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। तो अपने परिश्रम को कभी भी अपनी इच्छाओं पर हावी मत होने दें, परिश्रम करते रहें, आपकी इच्छाएं भी रखें और ईश्वर का आशीर्वाद भी रखें। निश्चित तौर पर आपका भाग्य एक दिन आपको उस पायदान पर खड़ा कर देगा जहां से आप अपने जीवन में
पूरी सफलताओं का बहुत आनंदित स्वरूप में अनुभव कर पाएंगे। तो ये हो गए दो बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो आपको अवश्य करने चाहिए। अब आता है तीसरा वो उपाय जो कि आप प्रतिदिन अगर करते हैं तो बहुत बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अद्भुत कृपा का जो आशीष है वो श्री हनुमान जी से आपको प्राप्त होता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि देखिए, दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं ईश्वर के समक्ष, वो दीपक का भी बहुत बहुत मायने होते हैं। और दीपक में जो तेल का हम इस्तेमाल करते हैं उस तेल की भी बड़ी महिमा होती है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर के विधि विधान में बहुत से लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली का जो तेल है वो श्री हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। और इस सुगंधित तेल से आप श्री हनुमान जी को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य में है, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि प्रतिदिन चमेली के तेल का जो दीपक है वो प्रज्वलित कर सकते हैं श्री हनुमान जी के समक्ष, तो ये उपाय बड़ा ही भाग्योदय करने वाला होता है। क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत जब आप इसको नियमबद्ध तरीके से करते हैं जीवन में, तो श्री हनुमान जी की जो कृपा है वो बड़ी ही महती रूप से आपके जीवन में बरसनी प्रारंभ हो जाती है। अगर आपकी सामर्थ्य में यह नहीं है कि आप प्रतिदिन प्रज्वलित नहीं कर सकते चमेली के तेल का दीपक, तो आप उसी प्रकार से मंगलवार और शनिवार का दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार में से किसी एक दिन भी यदि आप सप्ताह में एक बार श्री हनुमान जी को यदि चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके समक्ष, तो बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं और आप अपने कर्मों की ओर भी बहुत ध्यान देना प्रारंभ करिएगा। मैं आपको फिर से पुनः ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं और भाग्य के चमकने का आप इंतजार कर रहे हैं, साथ साथ ये उपाय आपने और जोड़ लिया है, तो आप पाएंगे कि बहुत शीघ्र आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लग गई हैं। जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, किसी प्रकार से परिवार में क्लेश की समस्या है, आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं हो रहा है, तो ये सारे कार्य इन छोटे छोटे उपायों से बड़ी सरलता से संपूर्ण हो जाते हैं। श्री हनुमान जी बहुत दयालु हैं। उसी प्रकार से श्री महाराज जी भी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त शरणागत होकर मेरी शरण में आता है, ऐसे अनन्य भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता और अनंत काल तक उस भक्त का हमारे से संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये थे वो तीन अमूल्य उपाय जो मैंने आपको बताए। आज के इस क्रमांक में यदि आप ये तीनों उपाय प्रतिदिन स्वरूप में अपने जीवन के साथ जोड़कर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत बहुत भाग्यशाली हो जाता है। आपके जीवन में सफलता आपके निरंतर इर्द गिर्द रहेगी, आपके जीवन में सदैव आपका भाग आपका साथ देना प्रारंभ कर जाएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से निश्चित तौर पर आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।